चलिए जी, नेक्स्ट है आज का डांस कॉम्पिटिशन। जल्दी आओ, दिखाओ भाई कौन सी टीम आएगी पहले डांस करने के लिए। गोरिल्लाज आएंगे, बारी किसकी गोरिल्लाज में? जैन। सेकंड है ड्रैगन्स, शेज। फिर आएंगे टाइगर्स, टाइगर्स में लारेब। और आखिर में आएगा इमरान। कहाँ है? अच्छा चलो 50 सेकंड्स। भाई किसी को डांस करने का शौक है, कोई आके करना चाहता है फ्लोर पे? दो लोग चाहिए मुझे, आ जाओ आप। एक और आ जाए कोई, एक और कौन आएगा? आ जाओ आप भी, आ जाओ तीनों आ जाओ। चलो भाई 50 सेकंड आप लोगों के पास। रेडी गाइस, आप लोग साइड पे रहना। रेडी गो। आओ भाई, नेक्स्ट कौन है? सेकंड कौन था? ड्रैगन्स। रेडी गो ड्रैगन्स। चलो भाई बहुत आला, बारी आई है टाइगर्स की। रेडी क्या? हाँ रेडी गो लारे। मैंने देखा ये वाला डांस कहीं, देखा है मैंने ये? तुमने भी देखा है? और किस किस ने देखा है? आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छा। बारी आई है लायंस की। रेडी गो लायंस। बहुत आला इमरान, जबरदस्त यार।
अच्छा जी, पहले मैं इनके पॉइंट्स डिसाइड करता हूँ, फिर बताऊंगा। पहले आप लोग बताइएगा सबसे बेहतर कौन है। अच्छा, मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसकी लगी। पहले टीम से पूछता हूँ। दानिश भाई, हमें जो परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छी लगी है, अगर बिल्कुल कट टू कट बात करते हैं, तो उसमें इमरान की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी हमें। और अगर आप ये कहेंगे कि जो लारिब ने जिस तरह परफॉर्म किया है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, वो एक बड़ा डिफरेंट चीज़ें की लारिब ने, आज बड़े एफर्ट्स किए हैं। अच्छा, जो सबसे अच्छी लगी परफॉर्मेंस वो इमरान की लगी हमें परफॉर्मेंस, और शायस की लगी। ये दो लोगों की हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। सही है। मैं अपना वर्डिक्ट देने से पहले ऑडियंस से पूछना चाहूँगा कि आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किसकी लगी है। अज़ैन, सबसे पहले बताइएगा कि आपको ज़ैन की परफॉर्मेंस कैसी लगी थी, तालियां बजा के बताइए। आ जाओ, नेक्स्ट कौन था? शहज आओ, दूसरे नंबर पे था शहज। शहज, आपको कैसा लगा था? सही है। थर्ड था लारिब। लारिब, कैसा लगा था? मैं समझ रहा हूँ कि क्यों अच्छा लगा ये आपको, बहुत अच्छे। आओ भाई, या फिर इमरान। सही है, सबसे ज़्यादा क्लैपिंग जो है वो लारिब के लिए आई। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ कि एक्चुअली चारों में से क्या क्या परफॉर्मेंसेज हुई थी। सबसे पहले ज़ैन आया था करने के लिए। ज़ैन की एनर्जी का लेवल बहुत ही अच्छा था, सबसे ज़्यादा था इन लोगों में। लेकिन ज़ैन ने जो स्टार्ट किया था उसमें दो अटैम्प्ट जो शुरू में किए थे वो तुमसे मिस हो गए थे, और वो टाइम जो था वो तकरीबन 10 सेकंड का तुम्हारा वहाँ चला गया था। थर्ड अटैम्प में तुमने क्योंकि तुम जो ट्राई करना चाह रहे थे वो तुमसे हुआ नहीं था, तो जो तुम कर चुके हो तुमने वो दोबारा से ट्राई किया, वो तुमने कर लिया। लाइव शो में करना मुश्किल होता है, वो अप्रिशिएबल था। लेकिन जो तुम्हारे दो अटैम्प्ट थे वो तुमने जो नहीं किए, उसको तुमने उसके बाद अटैम्प्ट भी नहीं किया कि तुमसे नहीं हो रहा था, वो सही है। बाकी जो तुम्हारा डांस था, उस तरह का परफॉर्मेंस तुम कई बार पहले कर चुके हो, तुम्हारे वो वाले स्टेप्स कई बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये मैं तुम्हें आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, वो चीज़ें मुझे लगता है कि तुम कर चुके हो। ये कुछ कह रहे हो? हाँ बोलो। सर, ये था कि जो आज जो स्टेप करे ना, ये मैंने इससे पहले कभी करे नहीं है। आप चाहे निकाल के देख लें, ये मेरी परफॉर्मेंस पुरानी है, नहीं करे मैंने इससे पहले। पुरानी है? हाँ, मतलब कि जहाँ जब मैं डांस वेडिंग वगैरह करता ना तब की परफॉर्मेंस है, नहीं करे। आप चाहे देख ले। नहीं, मुझे लेकिन ऐसा लगा कि तुम्हारे ये स्टेप्स जो थे, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स जो थे वो रिपीटेड थे। खैर, एनी वे, दूसरे नंबर पर आया था शेज। अब असल में शेज आता है और डांस तो वो बहुत ही आला करता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो डांस का लेवल है ना, वो हर प्लेयर आके थोड़ा थोड़ा ऊपर करता हुआ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शेज की एनर्जी का लेवल तो वही था जैसा कि ज़ैन का था जो कर रहा था, अब कुछ नए स्टेप्स की ज़रूरत है। तुम सबको, मैं चारों की बात कर रहा हूँ। ये माइक खोलिएगा ज़रा, शेज का माइक खोलिएगा, दूसरा माइक दे लो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मैं तो फिलहाल अभी अपने आप को कम्पीट कर रहा हूँ, मैं ये सोच ही नहीं रहा, बिकॉज मेरे हाथ में इंजरी चोट लगी हुई, मैं जानता हूँ। तो मैं ऐसे भी स्टेप्स सोच भी नहीं पा रहा हूँ अभी। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो सही। मैं कर सकूँ तो एक्चुअली शेयर जो है वो इंजर्ड है, लेकिन देखो जब कंपटीशन के अंदर होते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं किसी को नहीं रहा। बिल्कुल सही, मैं समझ गया था तुम्हारी बात कि तुमने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, और मैं चाह भी नहीं रहा था कि तुम कोई अटेम्प्ट करो। ठीक है, वो स्टेप्स हमने कहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर परफॉर्म करते हुए नहीं देखे, या अगर देखे भी तो लारिब को ही देखें। तो हमें लगता है कि वो बहुत फनी है जो भी वो स्टेप्स कर रहा होता है, लेकिन वो दिखने में विजुअली बहुत अच्छे लगते हैं, और इसलिए सिर्फ मुझे ही नहीं, सारी ऑडियंस को भी वो उसके स्टेप्स अच्छे लगे थे। लेकिन एज फार एज डांसिंग इज कंसर्न, मुझे सबसे बेहतर लगा था इमरान, क्योंकि इमरान जो था वो कॉम्बो था, वो स्टेप्स भी कर रहा था और उसने वो दो स्टंट्स भी करके दिखाए जो ज़ैन ने किए थे। नहीं, जो इसने ये हेड रोल किया, ये नहीं किया था, हेड स्टैंड कर चुका है ये। नहीं नहीं नहीं, अगर ये बात कह रहे हैं तो हेड रोल, हर डांस में वो हेड रोल करता है, हेड स्टैंड किया है। लास्ट टाइम भी आपने, लास्ट टाइम जो किया था इसने, ये यूं खड़ा हुआ था, इसने ऐसे हाथ छोड़ा था, हेड रोल किया था सर, हर डांस में करता है वो हेड रोल। मैंने तो इमरान को हेड रोल करते हुए नहीं देखा भाई। सर, मैं आपको हेड रोल किया इमरान ने पहले? हेड रोल किया मैंने। ओके, लेकिन ये जो कह रहे ना कि हर डांस में हेड रोल करता हूँ, ऐसा नहीं है, हर डांस में तुम्हारा भी डांस जैसे लग रहा होता है। अगर भंगड़े की बात करूं, मैं उनको याद कराने के लिए कह रहा हूँ कि इसने किया है। अच्छा, तुम लोगों ने, कि मैं भूल गया था, शायद इसने किया होगा। खैर, सबसे बेहतर परफॉर्मेंस गाने के हिसाब से अगर किसी की थी वो इमरान की थी, तो मेरे हिसाब से दो पॉइंट्स जाएंगे टीम लायंस के साथ, और एक एक पॉइंट जाएगा इन तीनों बाकी टीम्स के साथ, क्योंकि उन दोनों ने बुरा डांस नहीं किया था और लारिब उनकी टक्कर का ही था। एक पॉइंट जाएगा टीम टाइगर्स के साथ, दो पॉइंट नहीं, एक पॉइंट जाएगा टाइगर्स के साथ, एक गोरिल्लास के साथ, एक ड्रैगन्स के साथ, दो लायंस के साथ। हो जाए, मैं
वहां सबको सिर्फ एक मिनट मिलेगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. लाखों करोड़ों बस एक मिनट में. जीतो एक मिनट में बुध और जुमेरा शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर. बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा.